श्रीकाल किम से नमस्ते आदाब, मैं आपका दोस्त जैक आपके अपने YouTube चैनल पांडा बॉयज़ एंटरटेनमेंट पे आ चुका हूँ। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं लखनऊ में, और लखनऊ में हमारे साथ हैं हमारे रुबान भाई, जिनकी आपने 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो देख रहे हैं, और जो कि सिर्फ लखनऊ में ऐसे इकलौते आदमी हैं जो कोटा का शौक़ करते हैं, कोटा बकरे का जो शौक़ करते हैं, जो तैयार करते हैं। और आपने पिछले साल से, एक साल पहले वीडियो देखी थी कोटा, जो आपका था नवाब था, माशाल्लाह बहुत उम्दा निकला था जी। पूरे लखनऊ से लेकर आगे तक के काफ़ी लोग पहचाने थे बकरे को, और लास्ट ईयर वीडियो बनी थी उसमें भी आपने 3 बकरे देखे थे, और पठान भाई पठान की भी आपने देखी थी वीडियो, और ये जो आपके सामने है ये पठान ही है। पिछली बार इदादा बन नहीं पाया था सही से, तो भाई ने इसको रोक लिया था, और 2 बकरे जो और साथ में थे उनको सेल कर दिया था, और ये बकरा रोक लिया था पठान। और इस बार आप माशाल्लाह भी देखिए बकरा क्या बन के तैयार हुआ है। और हमारे साथ रुबान भाई हैं। रुबान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली बार आप थे नहीं, आप सऊदी में थे शायद? जी भाई, वीडियो घर पे भाई के साथ बनी हुई थी, सुफियान भाई के साथ हाँ बनी थी वीडियो। और लास्ट ईयर हमने 3 बकरे कवर किए थे आपका, ये पठानी है ना भाई? ये जी पठानी, पठान है माशाल्लाह से। और पिछली बार 2 बकरे और थे, प्रिंस और क्या नाम था उनका? प्रिंस और छोटा नवाब। छोटा नवाब, छोटा नवाब, तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए थे। दोनों सेल हो गए थे, वो दोनों सेल हो गए थे। और इसका कुछ इरादा नहीं बना था रोकने का आपका, हो गया इसलिए रोक दिया? ज़्यादा इससे शौक था इसलिए रोक लिया, तैयार भी नहीं हुआ था, वैसा तैयार भी नहीं हुआ था उस टाइप का, इसलिए और रोक लिया। माशाल्लाह इस वक्त बकरा आपके सामने तैयार है, और आप देख सकते हैं इतना गर्म बकरा है ये कि भाई किस तरह से इसको कंट्रोल करे मैं बिल्कुल रोक के। अब आप ये देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रुबान भाई कोटा का शौक़ आप सिर्फ लखनऊ में करते हैं, बहुत कम लोगों को देखने मिलता है, आप कोटा इतना ज़्यादा क्यों भावुक रहता है, इतना ज़्यादा पसंद क्यों रहता है? जी क्योंकि गर्म होता है, हमको गर्म बकरे ज़्यादा पसंद, ज़्यादा पसंद रहते हैं इसी तरह के। बकरा खेलना तो फायदा नहीं, बकरा रखने से कोई शौक नहीं है, वहाँ जो बात है खड़ा रहा कोई फायदा उससे थोड़ी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर खेलना चाहिए तो शौक पड़े, खेलना बिल्कुल चाहिए, वही बात है। तो ये देखिए पठान आपके सामने हैं, ये हैं रुबान भाई के पठान, माशाल्लाह उम्दा। रुबान भाई क्या लास्ट ईयर वेट था, और इस बार क्या वेट इसका गेन हुआ है? पिछली बार 83 किलो का था, अभी जो है 102 किलो का है। 102 किलो का, ये आपने काटा कर लिया है इसका? माशाल्लाह भाई, लास्ट ईयर 83 kg का था। और वेट के साथ बेचते नहीं बकरे, लेकिन वेट करवा के दे देंगे, वेट करवा के दे देंगे। तो ये देखिए लास्ट ईयर जो आपने बकरा देखा था, ये पठान को देखा था, तो उस वक्त 83 kg के थे ये, और इस वक्त जो है 1 क्विंटल 2 किलो का है भाई ने, जो कि वेट कर लिया है और आपको मिल भी सकता है माशाल्लाह। मैंने आपको देखिए शॉर्ट्स में आपने देखा ही अल्हम्दुलिल्लाह क्या चल रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है, और रुबान भाई भी हमारे शौक करते। तो भाई इस बार सिर्फ पठान को ही रोका या और भी कुछ है? नहीं भाई अभी पठान ही, फिर अभी पठान ही है। आप सऊदी से आने में काफ़ी वो रहता है कि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है भाई, गर्म बकरा होता है, कोई खिला भी नहीं पाता इतनी आसानी से, 2 लाख लगते हैं इसको बांधने में इसको। सही कह रहे हैं, अभी आने में ही इसको काफ़ी दिक्कत हुई आपको रास्ते में लेके आने में ही। तो भाई ज़्यादा बताइए क्या दांत पे हो गए भाई ये? अभी पूरे दांत कर लिए भाई, पूरे दांत हो गए इनके जी। फिर लास्ट ईयर शायद 6 दांत पे था ना, शायद 6 दांत पिछली बार 6 दांत का था, अभी 8 दांत का हो गया बकरा। तो लास्ट ईयर भाई जो कुछ इस पे प्राइस तो लगे होंगे, कुछ ना कुछ तो लगे ही होंगे पैसे? हाँ लगे थे भाई, लेकिन दिया नहीं था आपने? दिया नहीं था वो आपके, उसमें नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी अभी जो भाई ये है, अभी क्या भाई प्राइस होगी इसकी, भाई क्या मांगोगे आप? फोन पे बताएंगे भाई, जिसको फोन पे बताएंगे, फिर भी कुछ अंदाजन बता दिए, जैसे लोग अब बकरीद में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है रुबान भाई, हर कोई वीडियो में ये देखता है कि हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए और नायाब चीज़ हम तक पहुंच जाए उनकी। अगर 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है भाई, 1 लाख के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 1 पेटी का तो रहेगा जी, 1 लाख के अंदर नहीं आएगा, और आ सकता है कि नहीं आ सकता 1 लाख के अंदर? कोशिश अगर रही किसी की, बहुत ज़्यादा चाहने वाला आ गया कोई, बहुत ज़्यादा ना फिर देखेंगे, देखा जाएगा, नेगोशिएबल रेट है आपके, नेगोशिएबल प्राइस है। ये देखिए उम्दा माशाल्लाह भाई, क्या इनकी भाई मेहनत तो बहुत पड़ती होगी इनको खिलाने में? ज़्यादा मेहनत पड़ती है, खिलाने पिलाने में 2 लोग लगते हैं इसको। अच्छा, खिलाना भी अच्छा खासा होता है इसका। तो भाई अगर कोई बकरा आपसे ले लेता है ये, और अगर वो रख ना पाए, तो भाई कुछ दिन के लिए रख सकते हैं आप बकरा? जी बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। तो भाई अगर जैसे अभी आपका सेल हो जाता है बकरा, और इनकेस वो उनके पास जगह नहीं है या खिला नहीं सकते सही से, उनके पास आदमी नहीं है, तो अपने वहाँ रख सकते हैं बकरीद तक के? जी बिल्कुल, उसका कुछ चार्जेस लेंगे आप? नहीं चार्जेस नहीं देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बिजनेस शौक है मेरा बस, शौक है जो भाई बात है बस। आप तो मैं समझ ही रहा हूँ, मैं और लोग भी जानते हैं, जो एक बार हम लोग नवाब जो कवर किया था पूरे लखनऊ में, उसका वो था कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपने स्टेटस पे लगाया था, स्टेटस पे लगाया था नवाब की, बहुत सारे लोग कहते मेरा बकरा, कोई कह रहा मेरा बकरा है। अच्छा अच्छा, वो वायरल चल रहा था काफ़ी माशाल्लाह से। एक बार खाली आप उस दिन उतारा था, जिस दिन मंडी शायद यहाँ लगी थी, और वो लोगों की सबकी आंखों में चढ़ गया था कोई एक बकरा आया है मंडी में,
नवाब माशाल्लाह बहुत उम्दा था, बहुत सारे लोग देखने उसको आए, बहुत लोग देखने उसको आए भी थे और बहुत अच्छे उसमें गया था वो तो। क्या उसमें गया था भाई वो, किसका प्राइस? दो साल पहले का है मुझे लग रहा, कुछ 85 के आसपास कुछ हुआ था ना शायद, ऐसे ही कुछ हुआ था बकरा, लेकिन बहुत उम्दा था। तो भाई इसकी देखिए जो आस्किंग प्राइस है भाई, आस्किंग प्राइस इसका जो होगा वो 1 लाख के ऊपर होगा और नेगोशिएबल है, आप बात कर लीजिए। अभी तो भाई टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है, बकरीद में है 25 दिन है, 20-25 दिन आराम से हैं। तो बकरा जो है ये रुबान भाई के पास है और रुबान भाई का नंबर अंबर तो नीचे देखिए सब लिख के आ ही रहा है आपको काफ़ी देर से। बाकी बकरे को आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आगे से पीछे तक देखिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह उम्दा। अब ये देखिए बकरा, सामने देखिए रुबान भाई, ज़रा कंट्रोल में नहीं आता ये बकरा, माशाल्लाह उम्दा। तो रुबान भाई नंबर एक बार बोल सकते हैं अपना नंबर? जी 83037984 52। तो देखिए नंबर नीचे लिख के आ रहा है, इस पर भाई आप बकरे के लिए बात कर सकते हैं भाई से। और भाई ने बता दिया है कि भाई देखिए बकरा आप ले लीजिए, नहीं आप रख सकते हैं बकरी तक रख देंगे भाई, आप आके आखिरी दिन ले जाइएगा अपने बकरे को। और भाई ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लखनऊ से बाहर अगर लोगों को चाहिए होगा? जी करवा देंगे, हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह पठान भाई, छोड़ सकते हैं? छोड़ें, थोड़ा छोड़िए देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह भाई बहुत गर्म है, ये देखिए देखिए उम्दा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मजा आती है। बकरा आपको यही इसीलिए पसंद है? खड़ा होगा, खड़ा होता है? अरे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई वजन पे काफी माशाल्लाह फुर्तीला, इतने वजन पे उठ रहा बकरा, ये देखिए खूबसूरत। आइए आइए ले आइए, पकड़ लाइए पकड़ लाइए पकड़ लाइए पकड़ लाइए, माशाल्लाह जबरदस्त है माशाल्लाह उम्दा। बाबा रोक ली रोक ली रोक ली रोक ली रोक ली रोक ली। ये देखिए बच्चे यहाँ पे जो है वो जानवर डर के भाग रहा है माशाल्लाह। बकरा रुबान भाई और उम्दा आपने तैयार कर दिया पिछले बार से, इस बार अभी खाने का भी टाइम नहीं, खाना खाएगा फिर। अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, थोड़ा गर्मी की वजह से शाम को बुलाया हमने आपको इसीलिए कि गर्मी में बकरे को थोड़ा और गर्म हो जाता अभी तो फिर बहुत दिक्कत होती, इसलिए बुलाया था। तो नंबर देखिए रुबान भाई का नीचे लिख के आ रहा है और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा बकरे की, आपको बारे में बात पूरी हो जाएगी जो भी है और इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कई फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिए और एक बार कोटा का शौक करके देखिए, माशाल्लाह बहुत उम्दा बकरा होता है। आपने काफ़ी अंडुल बकरे देखे होंगे लखनऊ में, बरबरी में देखे होंगे, सोजत में देखे होंगे, लेकिन एक बार कोटा करके देखिए, कोटा बहुत उम्दा बकरा होता है माशाल्लाह से, और एक बार आप लेके जाइए। तो देखिए नीचे नंबर लिख के आ रहा, बाकी हमारा नंबर जो है वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे अगर आपको हमसे कोई बात करनी होगी तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जुबान भाई अगर हमारे जरिए कोई आता है तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।